बैंकरप्सी के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर के खिलाफ इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया है। यूनियन का कहना है कि इस सर्कुलर की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। आरबीआई के जिस सर्कुलर के खिलाफ बैंक ऑफिसर्स की सबसे बड़ी यूनियन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वो सर्कुलर 12 फरवरी को जारी किया गया था। इस सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई भी लेनदार एक भी पेमेंट जमा नहीं करता है तो बैंकरप्सी की प्रक्रिया उसके ठीक 180 दिन बाद शुरू की जानी चाहिए। सर्कुलर में एक दिन की भी रियायत नहीं दी गई है। यूनियन के मुताबिक आरबीआई का ये सर्कुलर संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन है। अपने पिटीशन में यूनियन ने यह भी कहा कि आरबीआई ने वित्तीय मामलों पर बनी संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया है। यूनियन का कहना है कि पहले से ही नुकसान झेल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इससे बड़ा नुकसान होगा और ये नुकसान 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है और बैंक्स ये नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है। बैंक्स यूनियन का ये भी कहना है कि पहले से ही चल रही बैंकरप्सी की प्रक्रिया की वजह से बड़े बड़े हेयर कट्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों को वैसे ही भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब इन नियमों को और सख्त कर देने से बैंकों की कमर टूट जाएगी। आरबीआई के इस सर्कुलर से केंद्र सरकार भी खुश नहीं है। एनपीएस के मामले में वित्त मंत्रालय आरबीआई के सख्त कायदों में रियायत चाहता है। सरकार और आरबीआई के बीच वैसे ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस सर्कुलर की वजह से ये खाई और भी बढ़ सकती है। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।